नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अनिल रोहिला, वेलकम टू आवर चैनल देव RWETC। आज हम एक मैथ का टॉपिक करने जा रहे हैं। कौन सा? परसेंटेज। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक का। ये सोच के चलो कि एक बेस है, अगर यहाँ ये परसेंटेज का टॉपिक हमारा अच्छा हो गया तो अर्थमेटिक के लगभग टॉपिक कम्प्लीट हो जाते हैं। हर जगह यूज होता है परसेंटेज, हर टॉपिक में कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप से ज़रूर यूज़ होगा। तो अब इसके बारे में हमें सबसे पहले एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो कोई भी एक, मतलब जो 100% की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी होती है, 100%। इसी प्रकार 1/2 पे जाओगे तो 1/2 की वैल्यू होगी 50%, 1/3 की वैल्यू होगी 33.3%, 1/4 की वैल्यू होती है 25%, 1/5 की वैल्यू होती है 20%, 1/6 की वैल्यू होती है 16.2%, 1/7 की वैल्यू होती है 14.2%, 1/8 की वैल्यू होती है 12.2%, 1/9 की वैल्यू होती है 11.9%, 1/10 की वैल्यू 10%, ऐसे ही निकालते चले जाएंगे 1/11, 1/12, 1/13। अब ये बात आती है कि आई कहाँ से ये वैल्यू। अब हमें पता है कि हम किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होता है, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। भई हम लेके चल रहे हैं इसको 1/3 को, 1/3 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 100 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 100/3। कितना आ गया, 33.1%। हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि जहाँ भी 1/3 दिखेगा हम वहाँ परसेंटेज वैल्यू क्या रखेंगे, 33.1/3। अब उसके बाद केवल इन्हीं से तो काम नहीं चलेगा, फ्रैक्शन तो आगे बहुत सी आएंगे जिनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे हमें एक वैल्यू दे दी कितनी, 5/6, 5/6 एक फ्रैक्शन वैल्यू दे दी और हमें बोल दे कि हमें इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा किया हमारे पास ये कितना आ गया, 500/6, 3, 250/3। अब फिर हम इसको काटते चले जाएंगे, कितना आ गया, 8 * 3 = 24, कितना बच गया, 1 * 3 = 9, 83.1/3। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। पहले हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे, फिर गुणा करके काटेंगे जहाँ तक कट रहा है वहाँ तक काटेंगे, फिर उसके बाद हम भाग देंगे। हम देखो इसको एक दूसरे मेथड से, अगर हमें वैल्यू ये याद है तो 5/6 को हम लिख सकते हैं 5 * 1/6। अब हमें पता है 1/6 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 16.2/3%। तो 16.2/3%, अब 16.2/3% को हम 5 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले गुणा कहाँ करनी होती है हमें, इस नंबर से। तो 16 * 5 = 80, उसके बाद यहाँ गुणा करेंगे कितना आ गया, 10/3। अब हम इस वैल्यू को ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें जहाँ तक भाग जाए वहाँ तक भाग देना है। कहाँ तक भाग गया, 3 तक, 3 * 3 = 9। तो ये वैल्यू किसमें, इसमें ऐड हो जाएगी 80 में 3 ऐड किए कितने आ गए, 83। बचा कितना शेष, 1/3%। यही वैल्यू आ रही है। अब ये समझो यहाँ क्या मैटर है, यहाँ क्या माजरा है जो हम यहाँ पे इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, वैसे नहीं छोड़ सकते, क्या करना है क्या नहीं। अब देखो हमने गुणा दे दी 5 * 16 = 2/3%, 16 * 2/3 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 * 16 + 2/3, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे गुणा करेंगे कितना आ गया, 80। यहाँ गुणा करेंगे कितना आ गया, 10/3। इसको हम छोटा करके लिखे तो कितना लिख सकते हैं, 80 + 3 = 1/3। इसको हम जोड़ेंगे कितना आ गया, तो वैल्यू कितनी आई, 83.1/3। ये बात आई समझ में। अब ये तो बात होगी, ऐसे अगर एक नंबर और लेके चलते हैं, हमें कन्वर्ट करना है 9/8 को, हमें कन्वर्ट करना है 9/8 को, 9/8 कितना परसेंट होगा। अब हमें किसका पता है, 1/8 का, 9 * 1/8, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, परसेंटेज वैल्यू कितनी, 12.2%, 12.2%। अब यहाँ हम गुणा करेंगे तो पहले कहाँ तक, यहाँ तक, 12 * 9 = 108। अब
9 की यहाँ पे गुणा करो कितना आ गया 9/2। अब हम यहाँ कहाँ तक तोड़ सकते हैं इसको, 4 तक, तो कितना ऐड हो जाएगा इसमें, 4 ऐड हो जाएगा 112, शेष कितना बचा 1, तो 112 से 1/2%, तो 9/8 की वैल्यू कितनी होगी 112 से 1/2%। अब ये जो वैल्यू होती है हमारे नीचे वो होती है रियल वैल्यू, वास्तविक संख्या। और ये जो वैल्यू होती है वो होती है परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत संख्या। अब इसका मतलब क्या है कि जो 9/8 की वैल्यू हमारी कितनी आई, 9/8 बराबर है कितने 112 से 1/2%। इसका मतलब क्या है कि 8 का 112 से 1/2% कितना होगा, 9 होगा। ये जो वास्तविक संख्या है 8, उसका उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी 112 से 1/2% कितनी होगी, 9 होगी। अब ये काम हमें आगे यूज करना पड़ेगा, जब हम परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं तब हमें ये काम यूज करना पड़ता है, तब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रियल वैल्यू होती है और कौन सी वास्तविक परसेंटेज वैल्यू। तो रियल वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली, और ऊपर वाली क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू। अब इस पे क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो देखते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन हमारा, अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 16 से 2/3% जोड़ दें तो 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या बताइए, तो वास्तविक संख्या बताइए। अब हमें कहा, जहां हमें परसेंटेज दिखाई दी सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6, बता दिया पहले। 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। अब ये नीचे वाली जो संख्या है वो क्या है, रियल वैल्यू, वास्तविक संख्या, और ऊपर वाली वैल्यू है वो है परसेंटेज वैल्यू। अब हमें क्या कह रहा है कि जो वास्तविक संख्या बतानी है, मतलब नीचे वाली संख्या बतानी, अब इस संख्या का 16 से 2/3% कितना है, 1, तो अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो हमारा कितना बनता है, 4956। लेकिन अब इसके हिसाब से देखें हमारा तो कितना बन रहा है, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना बन रहा है, 7, लेकिन ये 7 की जगह दे कितना रहे, 4956। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 की वैल्यू कितनी आई, 708। अब हमें चाहिए क्या, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 को हम क्या करेंगे, 7/8 से गुणा, कितना आ गया, 42.48। तो ये जो होगी हमारी वो क्या आ गई, वास्तविक से। हुआ भी, देखो 16 से 2/3% था, 16 से 2/3% का हमें पता है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/6। ये हमें कह रहा है कि उसी संख्या का 16 से 2/3% जोड़, मतलब संख्या हमारे पास कितनी है, 6, उसी का 16 से 2/3% कितना, 1, उसको हमने जोड़ा तो हमारा वैल्यू आई कितनी, 7, लेकिन ये दे कितना रहा है, 4956, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 708। मतलब इसका मतलब क्या है कि 1 की वैल्यू 708, मतलब हम जो चीज़ लेके चल रहे हैं वो हमारी क्या है, 708 टाइम्स कम, हर चीज़ हमारी 708 टाइम्स कम है। तो अब 6 की हम लेके क्या चलते हैं, रियल वैल्यू 6, तो वो 708 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, गुणा करने के बाद हमारी जो वास्तविक संख्या आई वो कौन सी आई, 4248। चलो एक और देखते, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 6 से 2/3% घटा दिया जाए तो 5670 बनता है, तो वास्तविक संख्या बताइए। अब इसमें हमें वही काम करना है, किसको उठाएंगे, परसेंटेज वैल्यू को उठाएंगे। परसेंटेज वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 से 2/3% की कितने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो कितना होता है, 1/15। अब हमें बोल रहा है कि हम नीचे वाली संख्या क्या है, वही रियल वैल्यू, ऊपर वाली
परसेंटेज वैल्यू। अब हमें बोल रहा है कि उसी संख्या का, अगर संख्या 15 है तो उसका 6 से 2 बटे 3 परसेंट कितना होगा, 1। अगर हम 15 में से 1 घटा दें तो हमारा नंबर कितना बनेगा, 14। उसमें हम क्या कर रहे थे पहले क्वेश्चन में, जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ इसने क्या कह रहा है, घटाना है। तो अगर इसमें से हम ये घटा दें तो हमारी नंबर कितना आएगा, 14। लेकिन ये 14 ना देखे हमें कितना दे रहे, 5670। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आई, 405। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 405। अब हमारा नंबर कितना है, 15। तो हम क्या करेंगे, 15 को किससे गुणा करेंगे, 405 से, कितना आ गया, 6075। ये हमारी क्या आई, रियल वैल्यू, मतलब वास्तविक संख्या। आगे बात समझ में। अब इसमें क्या है कि इसमें हमें स्टेटमेंट थोड़ी घुमा के दे दी। इसमें कह रहा है कि अगर किसी संख्या को, अगर इस किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1/7% बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू को उठाएंगे, जितनी परसेंटेज वैल्यू दे रखी सबसे पहला काम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 157 से 1/7%। अब मैंने इसको तोड़ने का तरीका बताया था आपको पहले, वो यहाँ काम आएगा। कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 100%। इसको लिख सकते हैं 57 से 1/7%, ठीक है। अब 100% की वैल्यू 1, 57 से 1/7% को अब हम कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो डायरेक्ट वही, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लो डायरेक्ट गुणा करके, कितना आ जाएगा ये, 7 × 7 = 49 35 300 400/7। तो 400/7 परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100, कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 1 + 4/7 = 11/7। जो हमारी 157 से 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो आई 11/7। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, हमें पता है किसका भाई, 1/7, 7 किसके नीचे में आता है, जब हमें हमारे पास फ्रैक्शन कितनी हो, 1/7। भाई 1/7 को हम कितना लिख सकते हैं, 1/7 को हम कितना लिख सकते हैं, 1/7 लिखा जाएगा, 1/7 को फ्रैक्शन बताई थी, फ्रैक्शन के हिसाब से किस परसेंटेज में क्या लिखोगे, 1/7 को हम लिख सकते हैं 14 से 2/7%। अब ये जो वैल्यू है कितने टाइम है इसकी, कितने टाइम है, 14 × 56 = 4×8 एक पे चला जाएगा, 4 टाइम। भाई 4 से गुणा करोगे 14 से 2/7 को, कितना आ गया, 56 × 4×8/7%। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक पे जाएगा 57 से 1/7%, तो 57 से 1/7% इसका क्या होता है, 4 टाइम। तो हमने लिख दिया क्या, 4/7, तो वैल्यू कितनी आई, 11/7। तो जब हमारे पास यह वैल्यू आ गई किसकी, 157 से 1/7% को हम लिख सकते हैं क्या, 11/7। तो ये बोल रहा है कि हमें जोड़ रहा है 64, ये जोड़ रहा है 64, 64 जोड़ने के बाद क्या बनता है, 157 से 1/7% बनता है। तो ये जो है वो क्या है, वो 57 का 7 का क्या है, 157 से 1/7%। ये जो 7 है वो क्या है, 157, 7 जो 11 है वो है क्या है, 7 का 157 से 1/7%। अब 7 का जो 11 आ गया वो उसमें क्या है, 157%। अब डायरेक्ट इसमें क्या करोगे, इसमें हमने हमारे पास जुड़ा कितना है, 4। यहाँ कितना जुड़ के आ रहा है, 4। इसमें वैल्यू कितनी जुड़ी, 4। लेकिन ये 4 ना जुड़ के कितना जोड़ रहा है, 64। तो इस 4 की वैल्यू किसके बराबर, 64 के। 1 की वैल्यू कितनी, 16। तो वास्तविक संख्या क्या है, 7। कितना हो जाएगा, 7 × 16, कितना आ गया हमारे पास, 112। जो नंबर आएगा वो क्या है, वास्तविक संख्या कितनी है, 112। तो हमारी वास्तविक संख्या है वो कितनी आई, 112। अब हमारा क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या 116 से 2/3% बन जाती है, तो हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब वही काम, पहला काम क्या, परसेंटेज को उठाओ, 116 से 2/3% कितना होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100% + 16 से 2/3%। 100% की वैल्यू 1, 16 से 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। अब 1/6 कितना आ गया है हमारे पास, 6 × 1 = 7, 7/6। अब 7/6 आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू, 116 से 2/3% की वैल्यू। तो जो 6 का 116 से 2/3% है वो कितना है, 7 है। तो अब यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है, 16। लेकिन हम यहाँ हमारे यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं, 1। तो इस 1 की वैल्यू कितनी है, 16। और वास्तविक संख्या कितनी,
6, तो हम क्या करेंगे 6 गुणा में 16 छिके 96, तो जो हमारी जो वास्तविक संख्या आएगी वो कितनी आएगी 96। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।